हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राजमलोत्रा आई एस अकेडमी माई नेम इज़ हरमनिंदर सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम साइंस एंड टेक और जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डेंट तो फ्रेंड्स रिसेंटली ये जो टॉपिक था ये न्यूज़ में था तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वट इज़ मैग्नेटिक फील्ड और वट इज़ मैग्नेटिक फील्ड डेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो फ्रेंड्स अगर हमने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डेंट के बारे में है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो कैसे एक्ट करता है और कैसे बनता है सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो नोन एज जियो फील्ड तो इसको हम ये भी कहते हैं और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट एक्सटेंड्स फ्राम द अर्थ इंटीरियर आउट इंटू द स्पेस फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तो ये बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करता है एंड इट इंटरेक्ट्स विद द सोलर विंड तो सोलर विंड क्या है ये भी हम आगे बात करेंगे तो so, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसे बनता है तो so, फ्रेंड्स uh, ये है अर्थ तो आपको पता है अर्थ की थ्री लेयर्स हैं आउटर इज क्रस्ट और उसके बाद होता है मेंटल और इनर जो है वो होता है कोर जिसमें एक होता है इनर कोर और अनदर वन इज़ आउटर कोर जो आउटर कोर है वो हमेशा लिक्विड होता है जो इनर कोर है दैट इज़ सॉलिड ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर तो प्रेशर की वजह से जो हाई टेम्परेचर है वो उसको लिक्विड नहीं रख पाता वो सॉलिड होता है ठीक है तो आउटर कोर जो है वो लिक्विड है अब इस आउटर कोर में क्या होता है कि जो इतना ज़्यादा मास है वहाँ पर आयरन और निकल का जो मोल्टन स्टेट में है यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखिए अर्थ आउटर कोर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट अब वो जो लिक्विड आयरन है निकल है वो हमेशा मोशन में रहता है अब दैट मोशन इज कोलेबोरेटिंग विद द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ अब अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में भी मूव कर रही है तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन बनता है जिससे कि बनते हैं कन्वेक्शन करंट्स एंड दीज कन्वेक्शन करंट्स आर कॉज बाय द हीट एस्केपिंग फ्राम द कोर इ नेचुरल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं जियो डायनोमो बिकॉज ये जो हमने फिजिक्स में डायनोमो पड़ा था बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट करता है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इस मोशन की वजह से जो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं ओके सिंपल चलिए अब डायग्राम देखेंगे तो इसमें हमें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा तो फ्रेंड्स ये है हमारी अर्थ और ये है जोग्राफिक नॉर्थ पोल और ये है जोग्राफिक साउथ पोल सो दिस इज नॉर्थ पोल दिस इज साउथ पोल तो अब ये जो अर्थ है इसकी मूवमेंट जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है ये भी हमें पता है लेकिन जो मैग्नेटिक पोल है वो इसके साथ अलाइन नहीं है उसमें डिफरेंस है 11.5 डिग्री का ये थोड़ा सा इससे टिल्टेड है अब क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो ये है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इससे एक बात क्लियर होती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट एक्ट्स लाइक अ लार्ज बार मैगनेट जिसका जो नॉर्थ पोल है वो नीचे जोग्राफिक साउथ पोल के पास होगा और जो इसका साउथ पोल है वो होगा जोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास बिकॉज इसकी ये डायरेक्शन से हमें ये बात पता चलती है सो दैट इज़ अ रीज़न दैट एवरी कंपस ऑन अर्थ पॉइंट टू वर्ड दिस नॉर्थ साइड अब क्योंकि जो नॉर्थ uh, पॉइंट uh, होता है उस कंपस का आप आप में से बहुत लोगों ने वो कंपस देखी होगी तो वो किसी साउथ की पॉइंट की तरफ ही अट्रैक्ट होगा अब क्योंकि ये जो आ, बहुत बड़े बार बारमेनेट की तरह एक्ट करता है ये जो जोग्राफिक नॉर्थ है वो किसी बहुत बड़े बार बारमेनेट के साउथ की तरह एक्ट करेगा तो हर कंपस का जो नॉर्थ साइड है वो इस साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है हाँ जी पॉइंट क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल करंटली टिल्टेड एट एन एंगल अबाउट इलेवन डिग्री विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रोटेशन एक्सिस तो जो अर्थ की रोटेशन एक्सिस होती है उससे इलेवन डिग्रीज टिलटेड है सो इट एक्ट्स लाइक एंड अनॉर्मस बार मैगनेट प्लेस एट दैट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ तो फ्रेंड्स रिसेंटली इन टू थाउजेंड फिफ्टीन जो ये नॉर्थ जियो मैगनेटिक बोलता इट वॉज लोकेट ऑन एलसमियर आईलैंड नूनाव इन कैनेडा तो वहाँ पर इसको लोकेट करा गया कि यहाँ पर ये जो नॉर्थ जियोमैग्नेटिक पोल है तो वहां पर सिचुएट uh, है तो उसके बाद क्या था कि जो दिस पॉइंट इज एक्चुअली द साउथ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अभी बार मैग्नेट की बात करी है और इसका ऑपोजिट भी ऐसा ही है कि जो साउथ जोग्रफिक uh, पोल है वहां पर इस बड़े बार मैगनेट का क्या कंसिडर किया जाता है नॉर्थ पॉइंट ओके सो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो ये देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसका जो फील्ड uh, की जो स्ट्रेंथ है हर जगह सिमिलर नहीं है तो ये देखिए यहाँ पर सेंटर में भी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड uh, इसकी डेंसिटी uh, है मैग्नेटिक फील्ड की तो इस डायग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आ, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो आ, अर्थ के जो आउटर कोर में जो फ्लूड का मोशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उससे बनने वाले जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए अभी तक जो इसका प्रॉपर जो मैकेनिज्म है वो अभी तक साइंटिस्ट को क्लियर नहीं हो पाया है सो एट रेगुलर इंटरवल्स क्या होता है कि ये जो आफ्टर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स तो ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं इनकी जो साइड्स हैं वो रिवर्स होती हैं एब्रप्टली स्विच कर जाती हैं और दीज रिवर्स ऑफ द जियो मैनेटिक पोल्स अ रिकॉर्ड इन रॉक्स अब क्या होता है कि जो पीली uh, मैगनेटिस्ट होते हैं जो इन रॉक्स को स्टडी करते हैं तो उनको जियो मैनेटिक फील्ड के बारे में जो पास में जियो मैगनेटिक फील्ड रहे होंगे उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है रॉक्स से ड्यू टू तो दिस जियोमैग्नेटिक पोज जो उसके रिवर्सल के बारे में ठीक है और uh, इससे हमें जो uh, हम जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ते थे कि जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुई हैं थ्रू द टाइम पीरियड वास टाइम पीरियड तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है ओशन फ्लोर्स की जो स्प्रेडिंग हुई है वो भी हम कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो पढ़ते थे यानी कि प्लेट एक्ट्रॉनिक्स में तो उसके बारे में भी हमें इंफॉमेशन मिलती है सो मैगनेटी स्फियर को अब हम क्या डिस्क्राइब करेंगे इट इज़ द रीजन अबव द आइनोस्फीयर दैट इज डिफाइंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द अर्थ मैगनेटी फील्ड इन स्पेस तो फ्रेंड्स एल्ज वी ऑल नो देट अराउंड द अर्थ देर इज अ एयर ब्लैंकेट जिसको हम क्या कहते हैं एटमोस्फियर तो उसकी भी लेयर्स हैं ट्रोपोस्फियर सेटोस्फियर इज देयर मीजोसफियर आइनोस्फियर तो उसके भी बाहर तक ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक्ट करता है अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सन से आते हैं तो अब क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं तो मेन जो कंसेप्ट है वो भी हमने डिस्कस करना है क्योंकि मोस्टली हमारे जो सैटेलाइट्स हैं तो वो uh, हमारे लो अर्थ मीडियम लो ऑर्बिट में मीडियम ऑर्बिट में या फिर हाई जो ऑर्बिट है उसमें वो मूव करते हैं वहाँ पर ऑर्बिट में उसको प्लेस कि, किया जाता है तो अब यहाँ पर है क्या कि ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कैसे प्रोवाइड करता है वो हम अभी बात करेंगे तो ये देखिए सेवरल टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर तक ये जो एक्सटेंडेड होता है और ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स जो कि सोलर विंड से आते हैं अर्थ तक ओके एंड कॉस्मिक रेज दैट वुड अदरवाइज ट्रिप अवे द अपर एटमोसफियर इंक्लूडिंग द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन तो आप देखिए यहाँ पे अब एटमोसफियर में हमारे पास क्या है स्टेटोस्फीयर है जिसमें ओजोन लेयर है जो हमें यू वी लाइट से बचाता है लेकिन उस ओजोन लेअर को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है बाहर मैग्नेटोस्फीयर ओके okay? अब ये जो सोलर विंड है ये क्या है दीज आर द चार्ज पार्टिकल्स दैट आर रिलीज फ्रॉम द अपर एटमोसफियर ऑफ द सन कॉल्ड कोरोना अब ये जो सन है इसके पार्ट्स से हैं सेंटर में कोर है उसके बाद रेडिएटिव पोर्शन है उसके बाद कन्वेक्शन जोन है और जो बाहर का इसका रीजन है उसमें भी इसमें फोटोस्फीयर है क्रोमोस्फीयर है और लास्ट में है कोरोना तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना की वहाँ से ये चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं और ये अर्थ तक पहुँचते हैं तो ये जो अर्थ है इसको प्रोटेक्ट करता है ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड सो दिस प्लाज्मा मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल ये जो चार्ज पार्टिकल्स अर्थ तक पहुंचते हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको कैप्चर करता है तो वो जो जब चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर कैप्चर होते हैं तो वहाँ पर एक बेल्ट बनती है एंड दैट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज वैन एलन रेडिएशन बेल्ट ओके सो दिस इज अ रीजन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सोलर विंड एंड दीज पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड हेयर ओके अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए प्लेनेट बाई

Uh, जो साइंटिस्ट से फ्रॉम नासा दे हैव रेज कंसर्न ओवर द वाइडनिंग ऑफ द डेंट तो अब ये डेंट क्या है एक्चुअल में ये जो डेंट है ये एक होल है ये एक अनोमली है जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट uh, हो रही है कहाँ पर ओवर द साउथ अमेरिका एंड साउथ एटलांटिक ओशन ओके सो साइंटिस्ट हैव अ कंसर्न दैट दिस डेंट कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट्स अब क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं वो इस मैगनेटिक uh, फील्ड के विद इन Uh, वहाँ पर मूव करते हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द प्लैनेट तो वो जो सैटेलाइट हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये ये जो मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सोलर विंड अब क्योंकि ये जो सैटेलाइट्स हैं अब जब ये इस अनोमली के ऊपर से आ, गुजरते हैं वहाँ से पास होंगे तो उसके ऊपर वो जो मैग्नेटिक फील्ड में जो डेंट है वहाँ से चार्ज पार्टिकल्स ट्रेस पास करेंगे अंदर आएंगे तो इन सैटेलाइट्स को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम पार्टिकल रेडिएशन ऑफ द सन ओके सो ये जो साउथ एटलांटिक नॉर्मली है यहां पर हार्मफुल रेडिएशन पार्टिकल्स आर नाउ एबल टू एंटर द अर्थ एटमोसफियर एंड दिस विल इंपैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट्स ओके सो दिस इज़ द साउथ एटलांटिक एनोमली तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मैगनेटिक uh, फील्ड का जो uh, ये मैप है तो यहाँ पर ये दिख रहा है इस इमेज में कि ऐसी एनोमली यानी कि जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पर बन रही है साउथ एटलांटिक ओशन के ऊपर और साउथ अमेरिका के ऊपर तो यहाँ से जब सेटेलाइट क्रॉस होंगे तो वहाँ पर चार पार्टिकल्स जो हैं उनके जो गैजेट्स हैं जो उनके इक्विपमेंट है वहाँ पर शॉर्ट सर्कट्स भी इवन हो सकते हैं उनके uh, जो सिस्टम्स में तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दिस अनोमली इज नाउ स्प्लिटिंग इनटू टू लोब्स अब ये जो अनोमली है ये जो एरिया है जैसे जो बन रहा था डेंट बन रहा था तो वो भी अब स्प्लिट करके टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है सो दिस डेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेंडिंग वेस्ट वर्ड एंड आल्सो वीकनिंग इन इंटेंसिटी सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट फ्रॉम यूरोपियन स्पेस एजेंसी दे हैव स्टेटेड दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज लॉस्ट 9% परसेंट ऑफ इट्रेंथ इन द लास्ट 200 हंड्रेड तो इसके जो रीजंस हैं ये, ये बहुत ज़्यादा क्लियर अभी तक नहीं है तो ये जो अनोमली है ये अब डिवाइड हो रही है इनटू टू लोब्स तो ये और भी इम्पैक्ट कर सकती है हमारे स्पेस मिशंस को सो हाउ इट विल इम्पैक्ट सैटेलाइट्स एंड स्पेस मिशंस इट कैन इंटरफेयर इन द नेविगेशन सिस्टम्स एंड डाटा कलेक्टिंग सिस्टम्स ऑफ स्पेस मिशंस एंड आल्सो सैटेलाइट पासिंग ओवर दिस रीजन सो दिस पार्टिकल रेडिएशन कैन कॉज शॉर्ट सर्किट ग्लिचिज एंड परमानेंट डैमेज टू द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इन दैटेलाइट एंड ऑल्सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पासिंग थ्रू दिस एरिया हैजू शट डाउन इट सिस्टम ड्यू टू द रिस्क ऑफ द डाटा लॉस अब क्योंकि उनको डाटा लॉस का uh, डर होता है तो उनको यह बंद करना पड़ता है जो सिस्टम है उनको स्विच ऑफ करना पड़ता है सो दी सेटेलाइट कैन लूज डाटा ऑफ़ इवन अ मंथ और मोर ड्यूरेशन ड्यू टू दिस मैनेटिव फील्ड ए नॉर्मली सो दैट इज़ द रीजन कि ये जो uh, काफ़ी कंसर्न की बात है ये जो डेंट बन रहा है तो इसकी जो रीजनस हैं उनको फाइंड आउट करने की uh, uh, कोशिश की जा रही है बाई द साइंटिफिक जो साइंटिस्ट कम्यूनिटी है सो फ्रेंड दिस इज़ ऑल फॉर नाउ दिस टॉपिक आई होप कि आपको uh, ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा सो टिल द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू